नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नई वीडियो में। जेट एयरवेज की शेयर अपडेट देने जा रहा है। वीडियो को पूरा देखिए, उसके पहले अगर आप चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सको। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर बड़ी खबर जो जेट एयरवेज के शेयर से निकल कर आ रही है, आपको बता दें मंडे मार्केट खुला तो यहाँ पर जेट एयरवेज के शेयर एक बार फिर से 3 रुपये नीचे गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 2.93% की घटोतरी के साथ साथ ये जो शेयर है इस वक्त के करंट रेट देखे जाएँ तो 99.40 रुपये पर आ गए हैं। ये 22 मार्च का रेट है जब मार्केट बंद हुआ उस समय का। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पर BSE में देखा जाए तो 0.17% की नीचे आया है। साथ ही यहाँ पर ये सारा कुछ सीन चल रहा है जेट एयरवेज के साथ, शेयर लगातार नीचे होने का मतलब यही है कि लगातार लेट हो रहे हैं और जब तक यहाँ पर क्लेरिफिकेशन नहीं मिलता है ओनर्स की तरफ से तब तक ये शेयर नीचे जाते रहेंगे। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के सवाल आएंगे कि इस वक्त शेयर का क्या किया जाए। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अगर अब ये यहाँ पर जो लोग खरीदना चाहते हैं वो जेट एयरवेज के शेयर खरीद सकते हैं, पर यहाँ पर बात ये होगी कि अभी थोड़े रेट और नीचे जा सकते हैं आने वाले 2-3 दिनों में, पर उसके बाद जैसे ही कोई भी नई अपडेट जलान कंसोर्टियम की तरफ से आएगी वैसे ही रेट में इजाफा देखने के लिए मिलेगा। पर स्टिल यहाँ पर अभी थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है और ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल जेट एयरवेज का शेयर इस वक्त हो चुका है। तो ये सारा हिसाब किताब कैसे लगी आपको ये अपडेट कमेंट करके बताइए। अगर आपका कोई भी सवाल सुझाव या सजेशन है तो आप हमें बेशक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।